शरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपके पास ये हैंड आउट है, प्रीमियर एयरलाइन कंपनी, रीड करें ज़रा इसे। आखिर में इसमें भी क्या निकालनी है? एनपीवी, यस। और कितने मार्क्स हैं? 23। वाओ, यानी आधा पेपर तो इसी के थ्रू पास हो जाएगा इंशाल्लाह। ये भी आपके पास पेपर ही का क्वेश्चन है। चलिए रीड करें। प्रीमियर एयरलाइन लिमिटेड, प्रीमियर एयरलाइन कंपनी लिमिटेड हैज इनकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग पास्ट सेवरल इयर्स। पीआईए से कोई भी मुशाबियत नामुनासिब होगी। डिस्क्लेमर, रिसेंटली अ न्यू मैनेजमेंट टीम हैज टेकन ओवर द ऑपरेशंस। ये आपके पास पेपर्स का क्वेश्चन है। Recently, a new management team has taken over the operations of PACL. The new management has observed that there is substantial overstaffing in the non-core functions. The excess staff is also being paid overtime under union's pressure. The preliminary findings have revealed the following information about employees engaged in non-core functions. नॉन कोर फंक्शंस क्या हैं? फ्लाइट किचन स्टाफ, जेनेटोरियल स्टाफ, वैन ड्राइवर्स, अदर सपोर्ट स्टाफ, एवरेज एनुअल स्टाफ कॉस्ट। मेरा ख्याल है ये 2000, ये एग्जैक्ट लिखा नहीं हुआ, 15 या 16 का ही क्वेश्चन है। अच्छा, उसकी एवरेज एनुअल कॉस्ट पर हेड इंक्लूडिंग 25% ओवर टाइम। तो अगर आप को अदर देन ओवर टाइम निकालनी हो तो क्या होगी? डिवाइड बाय 1.25। ऐसे ही कर ले। कितनी देर लगती है जी? 390 को डिवाइड करें 1.25 से तो क्या बन जाएगी? 312। 240 को करें तो क्या बन जाएगी? 192। ऐसे ही तो पढ़ ही रहे हैं तो करिए ना साथ में काम। क्या मुश्किल काम है? तो मुश्किल काम है फ्लाइट किचन, एवरेज स्टाफ, ग्रॉस सैलरी वो क्या है और ओवर टाइम कितना है, दोनों ही निकाल। रुपीस इन 1000 कर लेते हैं। फ्लाइट किचन में कितना है? 312। तो ओवर टाइम कितना हो गया? 78। जेनेटोरियल 190। टोटल स्टाफ की ग्रॉस, ये पर स्टाफ है एवरेज स्टाफ, टोटल स्टाफ ग्रॉस सैलरी और यहाँ ओवर टाइम, राइट? वी कैन कैलकुलेट 78 ये हो गया। इसे हम रुपीज इन मिलियन में निकाल लेंगे। जेनेटोरियल में कितना है बताइए? 192। और ओवर टाइम कितना है? 48। वैन ड्राइवर्स 288। 72। देन 216 जी। देन वी हैव अदर सपोर्ट स्टाफ, दिस इज 216 एंड 54, राइट। अब नंबर ऑफ स्टाफ से मल्टीप्लाई करते जाएं। यहाँ नंबर ऑफ स्टाफ भी हम डाल देते हैं,
we have this figures, और इसे आप फिर millions में करके मुझे figure बता दें. 100, 120, 80, 150. 150 के बाद लिखा हुआ है बेसिक सैलरी कॉन्स्टिट्यूट 75% ऑफ ग्रॉस सैलरी एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम. नंबर ऑफ अदर सपोर्ट स्टाफ इज 3 times ऑफ द एक्चुअल रिक्वायरमेंट. ये हम बाद में करेंगे. यहाँ कितना हो जाएगा 150. आज की तारीख में क्या है ये कैलकुलेट करते जाए जी. मिलियन से बता देना. 312,000 इंटू 100 31.2 मिलियन. देन 288,000 इंटू 80 डिवाइड बाय 100 करें ना क्या हो गया. मिलियन से बताएं. 23. Then, ये भी 23. Yes. Then, 32. टोटल क्या बन गया. 109.6. 109.6 excluding overtime. 109.6 या 7. ओवरटाइम भी कैलकुलेट कर लें. बेसिकली इसी का आप 25% कर लें तो टोटल ओवरटाइम बन जाएगा. ऐसे ही ना 27.4. आज की तारीख में हम ये दोनों पे कर रहे हैं पर एनम. ऐसे ही दिस प्लस दिस दिस एड्स अप टू हाउ मच. आज की तारीख में ये सब पे कर रहे हैं ना. 137 मिलियन आज की तारीख में हम पे कर रहे हैं. एवरीबडी विथ मी. अच्छा जी. द एक्सेस स्टाफ is being paid overtime under the union's pressure. The preliminary findings have revealed the following information about employees engaged in non-core functions. Jiska ye zikr aa gaya. Basic salary ke bare mein bataya gaya hai. Number one is jo sare staff ke liye hai ki basic salary constitutes 75% of gross salary excluding overtime. To ye gross salary hai, iska 75 kar denge to basic ban jayegi. Basic ki agar calculation ki zarurat padti hai to. In order to resolve the problem, a committee consisting of HR and finance professionals has proposed the following scheme of restructuring. Flight kitchen may be outsourced to a leading hotel chain, which would provide what in-flight meals at an average cost of 350 per meal. About 150,000 meal servings are required annually. The required support staff may be provided by an independent human resource management company at a rate equivalent to existing gross salaries plus 15%. This required support staff aur upar likha hua hai required support staff ke perspective se support staff jo niche aa raha hai other support staff right. Number of other support staff is 3 times of actual requirement. Divide by 3 kar denge to actual requirement. Us actual requirement ke liye aapko ek third party wo de degi aur kitne mein एट दी ग्रॉस कॉस्ट चार्ज हो रही है प्लस 15%. जेनिटोरियल सर्विसेज में भी आउटसोर्स टू अ फर्म एट एन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 12 मिलियन. अ ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर में भी इंगेज टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ व्हीकल्स विथ ड्राइवर्स एट मंथली रेंटल ऑफ 45,000 पर व्हीकल. द प्रेजेंट फ्लीट विच कंप्राइजेज ऑफ 40 व्हीकल्स वुड बी डिस्पोज ऑफ. आप ड्राइवर्स की मैनेजमेंट और इस चक्कर में गाड़ी से निकल आएँ बंद कर दें से 45,000 पर व्हीकल पर मंथ के हिसाब से आपकी कॉस्ट होगी. बेटा बाहर जाके अटेंड करेंगे या फिर बंद कर दें इसे. गोल्डन हैंडशेक प्लान इन द फॉर्म ऑफ 36 बेसिक सैलरीज वुड बी ऑफर्ड टू द रिडंडेंट स्टाफ. ठीक है. द कमेटी हैज इंडिकेटेड दैट द लेबर यूनियन मे एजिटेट स्ट्रांगली अगेंस्ट द रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल विच मे क्रिएट डिफिकल्टीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. Therefore, only 20% of the staff is expected to avail facility when the scheme becomes effective.
आज जो आप स्कीम अनाउंस करेंगे तो 20% स्टाफ लेगा उसको, 80% अभी कंटिन्यू करेगा. द रिमेनिंग 80% इज एक्सपेक्टेड टू ऑप्ट फॉर GHP एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जिसकी प्रोबेबिलिटी 40 है, और द सेकेंड ईयर जिसकी प्रोबेबिलिटी 60 है. यानी जो रिमेनिंग 80 है उसका 40% आप अज्यूम कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में ले लेगा, और उसके बाद वाला से 60%. ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द स्कीम द स्टाफ वुड बी ट्रांसफर्ड टू अ सरप्लस पूल. अच्छा, ये कंपनीज के अंदर स्पेसिफिक चीज़ होती है कि जब आप स्टाफ को सरप्लस पूल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यू डोंट पे एनी ओवर टाइम एंड यू पे जनरली द बेसिक सैलरी, बट एट टाइम्स यू ऑल्सो पे ग्रॉस सैलरी एज वेल. बट जनरली वेन यू ट्रांसफर टू सरप्लस पूल यू पे वॉट इज दैट इज कॉल्ड द बेसिक सैलरी. बट आप यहाँ ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि हम ग्रॉस करें, ओवर टाइम तो किसी सूरत पे नहीं होगा. ठीक है जी, सरप्लस पूल का मतलब ये है कि आप उनसे काम नहीं ले रहे, आपने चीज़ें सारी आउटसोर्स कर दी हैं, अब वो बैठे तनख्वाह ले रहे हैं. दैट सरप्लस पूल, दे आर नॉट ऑन ड्यूटी. व्हेन दे आर नॉट ऑन ड्यूटी सो दे कैन नॉट क्वालिफाई फॉर ओवर टाइम. अलाउंसेस भी जनरली नहीं मिलते, यू गेट बेसिक सैलरी. बट जैसे हम 75% हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जैसे स्टाफ ने सरप्लस GS गोल्डन हैंडशेक नहीं लिया, उसको हम सिर्फ बेसिक देंगे, है ना. जो इतना भी स्टाफ है उसका 20% टाइम जीरो पे ले जाएगा GHP. जो रिमेनिंग 80 बच गया उसके लिए कहा गया, उसका 40% ईयर वन पे लेगा, और जो उसका 60% है वो ईयर टू में. तो ईयर टू तक ये सारा स्टाफ चला जाएगा. ईयर टू तक हम दो कॉस्ट पैरेलल इनकर करेंगे अगर हम रीस्ट्रक्चरिंग में जाते हैं, एक आउटसोर्सिंग की भी और अपने स्टाफ की भी. एवरीबॉडी विद मी? जहाँ बेसिक सैलरी भी दिवन है, यस, आप बेसिक सैलरी हाँ आप ये भी कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई ये कहे, चूँकि स्पेसिफिकली नहीं कहा गया, वी रियली डोंट नो, क्योंकि बेसिक वैसे ही 75 है. जनरली ऑन ड्यूटी अलाउंसेज आप नहीं देते, तो ओवर टाइम तो ख़त्म हो गया. उसके अलावा जो ऑन ड्यूटी अलाउंसेज हैं वो भी नहीं मिलते. तो अब बेसिक सैलरी भी मिलती है और बाद अवकात ग्रॉस सैलरी भी मिलती है, लेकिन ओवर टाइम कभी नहीं मिलेगा. ये चीज़ें मिलती हैं. कन्वेंस नहीं मिलेगी अगर आप दफ्तर ही नहीं बुला रहे उसको काम के लिए, बोला यार सरप्लस पूल में आप घर बैठे, या कहीं कंपनी करती है कि नहीं आप दफ्तर आएँ और आके अटेंडेंस लगाएं, तो फिर कन्वेंस देती है. मेडिकल आपको मिलता है, यस. लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सर्टिफिकेशन अलाउंस होता है, क्वालिफिकेशन अलाउंस होता है, वो चीज़ें बंद हो जाती हैं बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग दोज थिंग्स फॉर इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड. यहाँ चूँकि हमें बेसिक और ग्रॉस का डिफरेंस जो 25% है उसमें क्या है बताया नहीं गया, तो ऑन अ सेफर साइड यू कैन अज्यूम कि हम ग्रॉस ही देते रहेंगे. ठीक है, तो अब पहले तो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द सोल्यूशन. 60% ऑफ योर वर्किंग इज बेस्ड ऑन योर प्लानिंग ऑफ द सोल्यूशन, में 40% आप फिर डेवलप करते हैं. तो अभी है क्या, बेसिकली करना क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग करें या ना करें? अगर मैं रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करता तो मैं एज इज चलता रहूँगा जैसे आज चल रहा हूँ टिल इन्फिनिटी तक, है ना. तो मेरी आज कॉस्ट क्या है, आज मेरी एक ये कॉस्ट है और प्लस मेरे ओवरहेड्स हैं, ये स्टाफ कॉस्ट है और प्लस मेरे ओवरहेड्स हैं. ओवरहेड्स कितने हैं गिवन, 30.35 और 12, तो कितने बन जाते हैं 42.4 मिलियन. ठीक है जी, आज अगर मैं करता हूँ तो मैं ये कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, ऐड करें दोनों को, 179.4 मिलियन. आज की तारीख अगर मैं नो रीस्ट्रक्चरिंग तो आई विल कंटिन्यू टू इनकर 179.4 टिल इन्फिनिटी, परपेचुटी तक, वैसे ही. दैट्स विदाउट रीस्ट्रक्चरिंग. इफ आई डू नॉट डू एनी रीस्ट्रक्चरिंग, नो रीस्ट्रक्चरिंग, स्टेटस को राइट, कुछ भी ना करूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं हर साल टिल इन्फिनिटी क्या कॉस्ट इनकर करूँगा, मेरी कॉस्ट क्या है, 179.4 मिलियन. एवरीबॉडी विद मी? एक ये सिचुएशन है. दूसरी ये है कि मैं रीस्ट्रक्चरिंग करूँ, अगर मैं रीस्ट्रक्चरिंग करता हूँ 0, 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स,
तो रीस्ट्रक्चरिंग की बात जो मेरी कॉस्ट है, रीस्ट्रक्चरिंग के बाद फ्लाइट किचन में आउटसोर्स कर दूंगा तो उसकी आउटसोर्सिंग कॉस्ट होगी, है ना। जेनेटोरियल स्टाफ की 12 मिलियन कॉस्ट होगी। गाड़ियों की 45,000 के हिसाब से आपकी जो है 45 गाड़ियां चलाते हैं आप, वो कॉस्ट होगी। जो आप अदर सपोर्ट स्टाफ है वो थर्ड पार्टी से लेंगे, उसकी कॉस्ट होगी। तो एक होगी पोस्ट रीस्ट्रक्चरिंग जो आपकी कॉस्ट है, आउटसोर्सिंग कॉस्ट। बेसिकली आप सारा क्या कर रहे हैं, आउटसोर्स ही कर रहे हैं ना, तो आप यूं कहें आउटसोर्सिंग कॉस्ट होगी इन सारे फंक्शन की। वो आप कैलकुलेट करें, वो आएगी हर साल। फिर आपकी एक गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है, जिसे आप कह रहे हैं जीएचपी, गोल्डन हैंडशेक प्लान, जीएचपी की एक कॉस्ट होगी ना जो आप पे कर रहे होंगे। 20% स्टाफ यहाँ ले रहा होगा, 80 का 40% कितना हो गया, जो रिमेनिंग 80% है उस 80 का 40 यहाँ होगा और 60% यहाँ पे करेगा, उसकी एक कॉस्ट होगी ना 36 बेसिक सैलरीज के हिसाब से, वो एक कॉस्ट आएगी ना बेसिकली, जो भी है ये भी एक कॉस्ट ही है बेसिकली। सारी कॉस्ट ही हैं, मैं नेगेटिव कर भी दूँ या ना करूँ सारी कॉस्ट हैं। उसके बाद मेरी स्टाफ कॉस्ट भी आएगी ना, सरप्लस पूल वाली, जो सरप्लस पूल है वो यहाँ भी आएगी ना, जो ये बचे हुए हैं वो यहाँ लेंगे, ठीक है। ईयर टू में भी उसकी कुछ कॉस्ट आएगी, ईयर टू के बाद जाके ख़त्म होगी ना, ईयर टू के एंड में जाके सब पूरे हो गए। कुछ टाइम पे, हाँ वो तो अजम्पशन यही है, सारी कॉल कॉस्ट अकर एट द एंड ऑफ द ईयर ना और दे स्टार्ट। तो ये तो आज उसने ले ली, उसका 40% 32% ने यहाँ ले ली, तो 80% लोग यहाँ लेंगे, ठीक है, क्योंकि 20 ले चुके हैं, 80 ने पूरा साल इंतज़ार किया। जब उन्होंने देखा कि अब मामलात गड़बड़ होते जा रहे हैं, इससे पहले कि कोई फोर्स हमें कर दें, उन्होंने मदी 32 ने ले ली। अब कितने बच गए, 48 की यहाँ कॉस्ट आ गई। उसके बाद इनकी कॉस्ट बंद हो जाएगी, ठीक है, और फिर आपकी सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट चलती रहेगी, ठीक है। तो इफेक्टिवली जीएचपी कॉस्ट, ये कॉस्ट और ये पोस्ट रीस्ट्रक्चरिंग, इसका एक टोटल बनेगा जी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि पहले तो ये मैंने बना लिया, अब दो तरीके हैं, मैं कहूँ दिस वर्सेस दिस में डिफरेंस निकाल लूँ ये, मैं या मैं इसको अलग ट्रीट करूँ और उसको अलग ट्रीट करूँ। मैं कहूँ ये तो मेरा 179.4 हर जगह आ रहा है ना, 179.4 मैं नेगेटिव हटा ही देता हूँ, दीज आर ऑल कॉस्ट, तो अंडरस्टूड है इसमें यहाँ पे कोई और को इनकम का तो कोई आइटम है ही नहीं ना। 179.4 एंटिल इन्फिनिटी, फिर मैं इसको इसके टोटल से माइनस करके डिफरेंशियल कैश फ्लोज निकालूँ, ठीक है, वो कॉस्ट होगी या सेविंग होगी, वॉट एवर इट इज़, यानी आज के कंपैरिजन में क्या होगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसके अलग से पीवी निकाल लूँ, इसकी अलग पीवी निकाल के कंपेयर कर दूँ, वो भी ठीक है, इज दैट ओके। ये इन्फिनिटी तक रखना है, क्यों ईयर टू तक, हाँ खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद अगर फिर दिस, अगर लेट से मेरी कॉस्ट आ जाती है 100 मिलियन, तो फिर मैं हर साल ईयर थ्री ऑनवर्ड्स क्या करूँगा। आज 79 की सेविंग हो रही होगी ना मुझे हर साल, फिर इस रीस्ट्रक्चरिंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग तक तो शायद मैं एडिशनल कॉस्ट भरूंगा ना, क्योंकि मैं दो पैरेलल चला रहा हूँ। असल सेविंग तो स्टार्ट ही कहाँ से होगी मेरी, ईयर थ्री से ऑनवर्ड से इन्फिनिटी ना, तो उसको भी इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, डिस्काउंट करेंगे, एनुअल तो परपेचुटी का फॉर्मूला लगेगा, है ना, परपेचुटी का फॉर्मूला तो आता है ना, हमें बचपन में पढ़ा है ना हमें, ये बचपन में गिर गए थे जी। वो भी आप करेंगे, लेकिन पहले क्या बनाएं, डिस्काउंटिंग तो बाद में आएगी ना, पहले तो कैश फ्लोज बनाएं जी, तो शुरू हो जाएं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, अब थोड़ा सा हम अपना हाथ चलाएं। आप पहले तो ये निकालें पोस्ट रीस्ट्रक्चरिंग मेरी कॉस्ट क्या होगी, फिर आप निकालें गोल्डन हैंडशेक की कॉस्ट क्या होगी। ये वाला काम तो फिर भी आसान है, ये दो चीज़ें निकाल लें तो आपके कैश फ्लो बन जाएंगे, नॉट वेरी डिफिकल्ट। जी सर,
थर्ड ईयर के बाद डिफरेंशियल आपके पास क्लियर हो जाएगा ना, ईयर टू के बाद ईयर थ्री में आपको पूरी क्लियर सेविंग नजर आ जाएगी, तो थ्री तक बनाए, थ्री एंड ऑनवर्ड्स विल बी सेम। जो आप कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी तक चलेगा। ये तो ग्रॉस है, पहले बेसिक निकाले इसको। तो बेसिक, सॉरी जो एवरी निकाला आपने 312192288, इसको जो है मल्टीप्लाई करो उसके साथ। ये तो ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉ एक बेसिक होती है, ओवर टाइम एक अलग है। एक बेसिक सैलरी होती है, उसके बाद ग्रॉस होती है, ओवर टाइम इज ओवर एंड अबव ग्रॉस। और नीचे आपको बताया गया है कि बेसिक इज 75% ऑफ ग्रॉस, इस चेरिक लगा के टेबल में। हम जीएचपी में बाद में आते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि अच्छा पोस्ट रिस्ट्रक्चरिंग अगर हम आउटसोर्सिंग करते हैं तो व्हाट विल बी द आउटसोर्सिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग दीज सर्विसेज। लाइट किचन को हमने आउटसोर्स किया तो हमारी पर मील्स कॉस्ट होगी। अब और क्या बताया उसने, 350 into annual meals, 150,000. 350 into 150K in terms of rupees and million, क्या बन जाएगा ये जी बताइए, 52.5. जेनेटोरियल को आप आउटसोर्स करेंगे, बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट कितना देंगे आप, 12 million, राइट। ट्रांसपोर्ट को करेंगे तो कितनी व्हीकल्स है, 45,000 पर मंथ इंटू 12 इंटू 40 व्हीकल्स, ऐसे ही है। ये रेंटल पर मंथ हो गया इंटू 12, ये नंबर ऑफ व्हीकल्स हो गई, क्या बन गया 21.6। उसके बाद क्या आ गया, अदर सपोर्ट स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ जितना है 150 उसको डिवाइड बाय 3 कर दें पहले, ये बन गया 50 रिक्वायर्ड स्टाफ। इसकी जो ग्रॉस सैलरी है उसका इंटू 1.15, ग्रॉस सैलरी पर एवरेज स्टाफ कितनी है 216, तो दिस इंटू 216 इंटू 1.15, 216,000, ये एवरेज स्टाफ ग्रॉस सैलरी पर एनम। इसको कह रहे हैं कि वो 15% अपना जो सर्विस प्रोवाइडर मार्जिन रखेगा और वो करेगा, क्या बन गया ये जी 12.42। आपने नंबर ऑफ स्टाफ कम नहीं किया, 50 अभी गोल्डन हैंडशेक बाद, अभी कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग है सिर्फ। जब आप आउटसोर्स कर जाएंगे तो अब इन सारे फंक्शंस की कॉस्ट कितनी बनेगी, 52.5 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 10 करें 89 कैसे बनेगा, 98.5 million, 52 कह लें 5 million कह लें जी।
ये तो कॉस्ट है ऑफ आउटसोर्सिंग दीज फंक्शंस. अगर ये फुल्ली आउटसोर्स हो जाए आपसे स्टाफ से और ये, तो आपके ओवरहेड्स और ये सब बंद हो जाएंगे. अगेंस्ट 179.4 यू विल बी इनकरिंग पर एनम व्हाट 98.5. तो यहाँ से क्लियर डेल्टा नज़र आ रहा है आपको, है ना जी. हर साल की ऐसे ही होगी, जैसे ये भी हम कहेंगे तो साल के एंड पे होगी, तो ये भी साल के एंड पे ही होगी ना. ऑल ऑल कैश फ्लोज ऑफ अ ईयर अकर एट द एंड ऑफ दैट ईयर वाला पर्सपेक्टिव है. हाँ ये तो मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ, ये लिखना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, नॉट एट ऑल. तो हम बड़े हो गए, फाइनल में आ गए, राइट. अब यहाँ तक अल्टीमेटली अचीव होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाफ को गोल्डन हैंडशेक देना पड़ेगा. अब जो स्टाफ को हम गोल्डन हैंडशेक देंगे, अब जीएचपी क्या बनेगा, ये जितनी टोटल स्टाफ की ग्रॉस सैलरी कितनी है, टोटल स्टाफ ग्रॉस सैलरी वो कितनी है, 109.6 मिलियन पर एनम है ये, पर एनम. तो टोटल स्टाफ की बेसिक सैलरी क्या बन जाएगी, वुड बी इनटू 0.75, क्या बन गई जी, 82.2, 82.3, व्हाटएवर इट इज, ठीक है. अब 36 सैलरीज का मतलब इनटू 3, टोटल जीएचपी अमाउंट क्या बनेगा, 36 बेसिक्स, राइट. 36 बेसिक्स का मतलब ये 12 बेसिक साल में होती हैं, इंटू 3 कर दूं इसे, तो क्या बन जाएगी फिगर, ऐसे ही है ना. टोटल टोटल गोल्डन हैंडशेक प्लान की वैल्यू क्या है, ये बन गई ना 240.6. एक साल की ग्रॉस सैलरी, यस. क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीएचपी 36 मंथ्स है ना, 36 बेसिक है ना, इसके अंदर 12 बेसिक है ना, ये पर एनम है, तो क्या बन गई फिगर, 246. करें ना कैलकुलेट, नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई बाय 3 भी नहीं हो रहा, ये वक्त आ गया हम पे, 246.6 मिलियन. ये है आपकी जीएचपी की टोटल अमाउंट, ठीक जी. अब ये तो टोटल अमाउंट आ गई, टोटल जीएचपी अमाउंट. अब इसके तीन बच्चे बनेंगे, ऐसे ही है, टाइम जीरो पे इसकी 20% पेमेंट होगी, तो कितनी हो जाएगी, 49.3, ऐसा ही है. ईयर वन पे जो इसका रिमेनिंग अमाउंट है ये कितना बन गया, 246.6 - 49.3, क्या फिगर बन गई, ये 197.3. इसका 40% यहाँ और 60% यहाँ ईयर टू, ऐसे ही है ना भाई, 78.9 मिलियन, ठीक है, और 118.3. ये तीनों एड अप होके 246.6 होने चाहिए कंट्रोल टोटल, ऐसे ही है ना. इसको 4 कर देते हैं, इज दैट ओके, राइट. अब आएगी कि अगर हम ना करें रिस्ट्रक्चरिंग तो ये, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो ये कॉस्ट तो होगी होगी, साथ में ये जीएचपी भी पे करना पड़ेगा, और शुरू के 2 सालों में कुछ ओवरलैपिंग स्टाफ कॉस्ट सरप्लस पूल की कॉस्ट भी भरनी पड़ेगी, वो भी कैलकुलेट करें. अब आपके पास काफ़ी सारी डेटा आ गया, अब आप कैश फ्लोज बना सकते हैं.
Is that okay? क्या ये वाली कॉस्ट क्या कह रहे ग्रॉस पे ले क्या डायरेक्टली डालेंगे एक बार तो कैलकुलेट करके बताएंगे ना कि बनी कैसे नहीं नहीं बस एक ही बार टोटल करके आप एक अलग कर ले हर बार ये अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं अच्छा ये परपेचुटी नेस्टिंग है क्योंकि परपेचुटी जो कांस्टेंट हो गया ना हर साल आपने एक बार वर्किंग कर ली अब आपकी आउटसोर्सिंग कॉस्ट कॉम पर एनम ये बन गई अब आप कैश फ्लो में सिर्फ एक दिखाएंगे अब आपको अलग 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 ब्रेकअप दिखाने की जरूरत नहीं है ये आप दिखाएंगे यस पेमेंट जी अब आप आ जाएं आपका सरप्लस पूल एक आखिरी आइटम रह गया वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं फिर कैश फ्लोज बनाते हैं सरप्लस पूल की कॉस्ट क्या बनेगी स्टाफ इन सरप्लस पूल गेटिंग सैलरी इस साल 80% होगा यहाँ क्योंकि 20% ने लिया और अगले साल इस 80 का 60% रहेगा ना जो यहाँ ले रहा होगा कितना बन गया 48 इज दैट राइट उसके बाद फिर ख़त्म हो गया एवरीबडी विद मी तो इसका मतलब ये है जो भी ग्रॉस सैलरी है उसका 80% हम यहाँ ले लें 109.6 का राइट और इसका 48% ले लें तो सरप्लस पूल की कॉस्ट बन जाएगी यहाँ बन जाएगी 109.6 इंटू 80% क्या फिगर बन गई 87.6 मिलियन और यहाँ क्या बन गई 109.6 इंटू 60 इंटू 48% 52.6 Is that okay? Right. और ईयर थ्री ऑनवर्ड्स फिर ये नील हो जाएगा क्योंकि सरप्लस पूल खत्म हो गया आपका दो साल तक आप एक सरप्लस पूल चलाएंगे ठीक है टोटल का 60 नहीं 80 का 60% नहीं आएगा ईयर जीरो पे तो ये जीएसपी की पेमेंट हो रही होगी 20% आपने पे कर दी सुन रहे हैं सबकी गर्दनें ऊपर 20% स्टाफ ने इमीडिएटली गोल्डन हैंडशेक लिया वो टाइम जीरो पे लेके चला गया अब ईयर वन पे उसकी कोई सैलरी नहीं मिली उसे अब जो 80% है वो ईयर वन तक अनडिसाइडेड रहा उसको पूरी सैलरी मिली अब उस 80 में से 40% ने ले ली अब वो भी चला गया अब ईयर टू शुरू हुआ तो 80 का भी सिर्फ क्या रह गया 60% यानी 48% ईयर टू के एंड पे वो भी गोल्डन हैंडशेक लेके चला गया तो ईयर थ्री में अब कोई भी सरप्लस स्टाफ नहीं ये है अजम्पशन इज दैट राइट राइट 23 मार्क्स का क्वेश्चन है थोड़ी बहुत तो आपसे वर्किंग करवाएगा ना एग्जामिनर भी कुछ तो उसकी आप जज्बात की कदर करेंगे ना सूफी साहब तब वो आपके जज्बात की कदर करेगा अभी हमने सारी वर्किंग्स कर ली अब इनको कंसोलिडेट करके डिसीशन रेलेवेंट कैश फ्लोज बनाएं और डिसीशन करें अलग अलग बनाएं बिल्कुल आप अलग अलग ही बनाएं आराम से आप उसके बाद डिफरेंशियल खुद ही आ जाएगा आप पहले लिखें रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो क्या होगा फिर लिखें रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करते तो क्या होगा फिर उनका डिफरेंशियल ले लें
अभी खुद से कोई सेविंग गेविंग कैलकुलेट करने का सोचे ही ना, लाइफ को आसान रखें। नहीं रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो क्या सिचुएशन है वो लिख लें, रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो क्या सिचुएशन है, उन दोनों का डिफरेंशियल निकाल लेंगे तो कहेंगे विथ रिस्ट्रक्चरिंग दिस इज द नेट इम्पैक्ट। कोई अजीब बात है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक वर्किंग कंप्लीट करें फिर हम करते हैं साथ, यही सीखने के लिए बैठे ना, इसमें परेशानी की बात ही कोई नहीं। जी करें बिल्कुल। ये ने अपना सरप्लस स्टाफ निकाल दिया है अभी है? पूरा नहीं निकाला। अच्छा, ऐसी ऐसी कोई पॉलिसी जी, ऐसी कोई पॉलिसी अप्लाई की है गोल्डन हैंडशेक प्लान वगैरह को कर जी, वॉलंटरी सेवरेंस स्कीम। अच्छा वॉलंटरी, उन्होंने सैलरी बढ़ाई जी? सैलरी बढ़ाई उसने? अभी नहीं बढ़ाई, करने का सोच रही है जी। वंस द कोविड इज ओवर फ्लाइट ऑपरेशन रिज्यूम होंगे फिर करेंगे, डिपेंड करता है जिसने अच्छा परफॉर्म किया होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड। अच्छा परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, ठीक हो गया सुबह। वो हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं, सब ने वॉलंटरी किया, खुद छोड़ो खुद काम नहीं करना चाहते बस। डिपेंड करता है ना हर एक के अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, किसी के पास कोई अल्टरनेट होता है और आपकी गोल्डन स्टैंड स्कीम इसकी अच्छी होती है तो लोग कहते हैं। जी वापस आ गए, वॉलंटरी सेवरेंस स्कीम कोई ज़बरदस्ती नहीं। VSS रजाकाराना जी, एब्सोल्युटली वॉलंटरी डेट शेडिंग करते हैं आप लोग, टाइम जाया करते हैं। यस उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, गुमान अच्छा रखना चाहिए, है ना? कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। इंशाल्लाह जी हेड ऑफिस कराची बेस्ड है, कुछ फंक्शंस जिनकी फ्लाइट ऑपरेशंस की बेसिस पे ज़रूरत है उनको वहाँ ट्रांसफ़र किया गया, कुछ यहाँ है रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा, यहाँ है हमारा हेड ऑफिस यहाँ है कराची। जी कराची बेस्ड। अच्छा जी वापस आ जाएं हम, यह एक ऐसा इदारा है चूँकि नेशनल फ्लैग कैरियर है, इट इवोक्स पैट्रियोटिज्म एंड एवरीबॉडी इज कंसर्न, सो आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न फॉर द नेशनल फ्लैग कैरियर। अच्छी दुआओं में याद रखा करें आप यह को। अच्छा जी वापस आ गए हम यहाँ, हमारा कौमी असासा है कौमी। अब हम बनाए ओवरऑल कैश फ्लोस to assess the impact of the restructuring scheme, right? मिटाएं हम इसे, ये सब है आपके पास अब।
जी वैल्यू नहीं है गिवन, हाँ, और कोई गमजदा होने की बात नहीं है, जो नहीं है उसका कुछ नहीं कर सकते हम, आप थोड़ी अब जाके एग्जाम से शेरशाह जाके उसकी वैल्यू पता करें, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई घबराए नहीं आप, मैं बहुत बहुत एक नोट लिख सकते हैं कि अगर वो वैल्यू होती तो हम इनकॉर्पोरेट कर देते बस। आठ साल बाद भी होनी थी, लेकिन फिर उसकी कैपिटल कॉस्ट भी आनी थी, ये हम इमीडिएटली कर लेते। फिर वो आ जाती है, यस, कि फिर मुझे साइक्लिकल वो भी लेनी पड़ती। अच्छा अब आइए हम आ गए, अगर हम रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो क्या होगा, रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो हमारे कैश फ्लोज कुछ यूं होंगे विथ रीस्ट्रक्चरिंग, 0, 1, 2, 3 रुपीस इन मिलियन। मैं व्हीकल का कॉस्ट का भी जिक्र करूंगा, आपकी क्यूरीज को हम उस वक्त थोड़ा सा बाद में आंसर करते हैं, पहले हम बेसिक्स ऑफ द क्वेश्चन पे आ जाएं। अब आइए पहले हमारी रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो आउटसोर्सिंग कॉस्ट शुरू हो जाएगी, हम फॉरेन से क्या करेंगे, इन सारे फंक्शंस को आउटसोर्स कर देंगे और स्टाफ को सरप्लस में बिठा देंगे, राइट, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 98.5, राइट। फिर हम कह रहे हैं हमारी एक गोल्डन हैंडशेक प्लान की एक कॉस्ट आएगी, वो हम पेमेंट्स कर रहे होंगे, टाइम जीरो पे क्या आएगी, 49.3, 78.9, 118.4 और फिर ख़त्म, फिर कोई सरप्लस स्टाफ हम जो उन्होंने रखा उसकी एक कॉस्ट आएगी, सरप्लस फूल कॉस्ट, वो यहाँ भरेंगे हम 87.6 और यहाँ भरेंगे 52.6 और फिर ख़त्म। तो इफ़ेक्टिवली हमारी कॉस्ट क्या बन गई, हमारे जो कैश फ्लोज बनेंगे वो कैश फ्लोज कुछ यूँ हैं, कैश आउटफ्लोज लिख रहा हूँ मैं, हैं ही सारे आउटफ्लोज, 49.3 टोटल करें, 269.5 एंड देन 98.5 पर एनम टिल इन्फिनिटी, ऐसे ही कुछ गड़बड़ हो गई फिर तो, ऐसे आप मुंह बना के बैठेंगे फिर कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, नो रीस्ट्रक्चरिंग, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में क्या हो रहा है, उसमें हमारे आउटफ्लोज क्या हैं, उसमें हमारे आउटफ्लोज हैं यहाँ 179.4 till infinity, ऐसे ही है ना भाई। अब अगर मुझे रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, नहीं दो तरीके हैं, मैं इसकी अलग पीवी निकाल लूँ कॉस्ट की, इसकी अलग निकाल लूँ कंपेयर कर लूँ, या मैं क्या करूँ डिफरेंशियल कैश फ्लोज बना लूँ और उसकी पीवी निकाल लूँ, ऐसे ही है। अब मैं करूँ नेट डिफरेंशियल कैश फ्लोज, फॉर द पर्पज ऑफ दिस यहाँ नेगेटिव वुड मीन्स इनफ्लो, 49.3 दिस इज एन आउटफ्लो, दिस इज नेट आउटफ्लो 265 माइनस दिस 85.6 इज आउटफ्लो, 90 point is an outflow and then 80.9 per annum ka inflow hai, ye saving hai, inflow hai, right, ye mere differential cash flows ho gaye, restructuring ka net impact ye aayega ke shuru mein aapko cost bharni padegi, excess outflow hoga, baad mein aapko saving hogi, और अब मैं क्या करूं, मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की फिगर मुझे पता है, मेरा डिस्काउंट रेट कितना है 15,
तो मैं डिस्काउंट करूं 1.15 पावर 1, 1.15 पावर 2, इसे करूंगा, सुन रहे हैं सर, परपेचुटी और एनुटी के दरमियान एक चीज इन दोनों में कॉमन है, वो क्या है, सुन रहे हैं सर, अगर मेरे पास एक परपेचुटी है, कैश फ्लो स्टार्ट हुआ ₹10 मिलियन इन्फिनिटी, एनुटी क्या है कि कैश फ्लो एक से ज्यादा बार रिपीट हो फॉर एक्स नंबर ऑफ पीरियड, परपेचुटी है कि वो टिल इन्फिनिटी हो जाए, है ना, रिपीटेशन ऑफ अ कैश फ्लो, राइट, ये परपेचुटी है। अगर मेरा डिस्काउंट रेट 15% है, मैं इन सब की कैश फ्लोज की पीवी निकाल सकता हूँ बाय आर डिवाइड बाय आई, मैं कहूँगा 10, आर इज द कांस्टेंट कैश फ्लो, आई इज द डिस्काउंट रेट, 15% से डिस्काउंट करें, क्या पीवी बन गई, 66.7 मिलियन। दिस इज द पीवी ऑफ दिस कैश फ्लोज स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1 टिल इन्फिनिटी, इन सब की वैल्यू टाइम 0 पे आ गई, ऐसा ही है। ये फॉर्मूला क्या करता है, ये सारे कैश फ्लोज जहां से भी स्टार्ट हो रहे हो टिल इन्फिनिटी, इन सब की वैल्यू देता है वन पीरियड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट कैश फ्लो ऑफ द सीरीज, इसकी अपनी आंखें नहीं है, राइट। अगर यही कैश फ्लो सीरीज कुछ यूं हो, कोई कैश फ्लो सीरीज, वो स्टार्ट हो ईयर 2 से 20 मिलियन, ये भी एक परपेचुटी है। अगर मेरा डिस्काउंट रेट वही 15% है, जब मैं करूंगा 20 डिवाइड बाय 15%, तो ये यहां से लेके ईयर 2 से इन्फिनिटी सबको क्या करेगा, एक पीरियड पीछे लाएगा, ईयर 1 तक की फिगर आ जाएगी। करें क्या है, 20 डिवाइड बाय 15 133 पॉइंट, दिस इज पीवी एज एट ईयर 1 एंड, ये हमेशा टाइम 0 पे नहीं आएगी, इसकी अपनी आंखें नहीं आएगी, ये खुद ही लेके आ जाए, राइट। तो यहां आ गई फिगर 133.3, इसे मुझे फर्दर डिस्काउंट करना पड़ेगा बाय 1 ईयर विच इज 1.15, तो मैं टाइम 0 पे पहुंचूंगा, क्या फिगर बन गई, करें ना डिवाइड 115.9, एवरीबडी विथ मी। अब जब मैं इसकी डिस्काउंटिंग करूंगा 80.9 की, इनको तो मैं ऐसे करूंगा, 80.9 को जब मैं करूंगा तो ये 80.9 तो स्टार्ट ही हुआ है ईयर 3 से, 80.9, राइट, और ये चलेगा टिल इन्फिनिटी, तो मैं जब इसे करूंगा इन डिवाइड बाय 15%, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 80.9 को 15% से करेंगे 70 नहीं आएगी, 539.3, ये वैल्यू आई एज एट ईयर 2 एंड, फर्दर डिस्काउंट करना पड़ेगा बाय 1.15, तो मैं टाइम 0 पे पहुंचूंगा, 2 साल से, हाँ 407.8, ये इसकी सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ही, इनको आपने अलग अलग करना है। तो अब ये सब करके मुझे एनपीवी बताएं क्या आ गई, इज दिस क्लियर, इस फॉर्मूले का ये पता है हमें बेसिक्स, बल्कि ये तो हमें ग्रेड 7-8 में ही पढ़ाया गया होगा जब हमने ये फॉर्मूला यूज किया होगा। प्रेजेंट वैल्यू टाइम 0 के कैश फ्लो की पीवी वही आ गई 49.3, ईयर 1 की क्या आ गई 85.6 डिवाइड बाय 1.15, क्या आ गई 74.4 आ रही है ईयर 2 की, 90.1 डिवाइड बाय 1.15 पावर 2, 59.2 आ रही है सबके पास, नहीं आ रही, सूफी साहब करेंगे तो आएगी ना,
यहाँ पे 90.1 डिवाइड बाय 1.15 पावर 2 68.1 ये आ गई 74.4 जी। और ईयर 3 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे कैश लूज की वो आपने निकाली कितनी आई 407.8 यही आई थी तो क्या बन गई एनपीवी क्या ये टोटल नहीं कर सकते हैं? 215.9 या 216 is that right rupees in millions so this restructuring will generate will not only cover the initial cost that you will pay will give you a return of 15% over and above it will generate a surplus so surplus ki aaj sari present value kitni hai 215 if the company continues till infinity yeah, please It is an immediate increase in company's wealth. It is the PV of the surplus that you will get over and above the investment that you will do. These are your investment outflows. I'm getting a surplus. Surplus जो है वो सारे surplus की आज की terms में time zero की terms में present value है. ठीक है. एक ही बात है. A saving is as good as an inflow because A saving of an outflow is in substance an inflow, right? अगर NPV? हाँ आप देखें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो quantifiable नहीं होती restructuring में Many a time you do restructuring because you feel that it will generate other efficiencies which cannot be quantified, right? ये staff अगर तो surplus है अगर आप एक काम पे एक आदमी होना चाहिए और वहाँ तीन है तो वो एक भी काम नहीं करेगा productivity नहीं होगी उसकी क्योंकि वो एक दूसरे पे ही करेंगे फिर वो सासत ज़्यादा होगी काम ख़राब ज़्यादा होगा काम होने के बजाय right? तो वो भी एक element है right? अभी तो डिस्कशन में वो बहुत सारी बातें रिस्ट्रक्चरिंग की इसमें नहीं आई जो आ सकती हैं फॉर एग्जांपल आपसे कोई डिस्कशन के लिए पूछे तो इवन न्यूमेरिकल टर्म अभी आपने सिर्फ ग्रॉस सैलरी की बात की और आपने क्या बात की ओवर टाइम सेव की देयर विल बी आल्सो सेविंग इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द यूटिलिटीज एंड अदर कॉस्ट वो वेरिएबल में सारे नहीं है एक दो जगह पे हैं बाकियों में नहीं है वो भी तो होगी देयर आर एट टाइम्स पोस्ट रिटायरमेंट कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज कुछ ना कुछ तो पोस्ट रिटायरमेंट होगी ना ठीक है हाँ सिर्फ ग्रॉस एंड ओवर टाइम के अलावा भी तो कॉस्ट होती है ना आपकी जैसे आपने कहा मेडिकल जैसे कोई ग्रेचुटी होगी कोई ना कोई कंपनीज का पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा कंपनीज में कोई एक स्कीम तो होती है चाहे ग्रेचुटी या पेंशन में से राइट कोई पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल कुछ कंपनीज देती हैं राइट तो वो भी एक कॉस्ट है जो आपकी सेव होगी जो इसमें अभी बिल्ट इन नहीं होगी एंड सो ऑन जी वो डिपेंड करता है जैसे यहाँ तो उसने बता दिया कि जो आपकी ग्रॉस है बाज औकात जी सुभी साहब मुझसे डिस्कस करें मैं आपकी खिदमत के लिए हूँ जी अच्छा इसके बाद इसकी इसकी और भी बहुत सारी जिहतें होती हैं ना देर आर लीगल एंगल्स टू इट देर आर एचआर एंगल्स टू द रीस्ट्रक्चरिंग एज वेल कि क्या ये बाकी स्टाफ में डीमोटिवेशन क्रिएट करेगा इसको आप मैनेज कैसे करेंगे वो जो सरप्लस स्टाफ दो साल तक बैठेगा वो क्या करेगा है ना सरप्लस पूल को दो साल तक चलाना भी कोई आसान नहीं होता है ना वो कोई इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है तो अगर हमसे कोई कमेंट्री पूछता हो तो कमेंट्री में हम ये सारी बातें करते हैं
that you look at the legal angle, you look at the HR angle, the motivational angle. Ek side pe efficiency generate ho rahi hogi, dusri side pe kahin ye to nahi ho raha hoga, right? And then you look at the numbers mein, jaise aapne kaha ab aa jaye vehicles wala ek element hai, right? So what are you gonna do with abhi aapka ek current infrastructure bhi, to agar aap ye 300-400 log jo aap keh rahe hain jo hatenge, ठीक है ना, जिसमें फ्लाइट किचन है, तो फ्लाइट किचन की अपनी इक्विपमेंट का क्या होगा, फ्लाइट किचन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, है ना? ये सवालात आप उठा सकते हैं अगर कमेंट्री आए तो। कोर्ट जजमेंट दे देगा परमानेंट एम्प्लॉई को, कुछ नहीं खिला सकता। हाँ, कोर्ट जजमेंट हो सकता है, ये लीगल एंगल टू इट हो गया, ठीक है। इवन द नंबर्स में भी आप बहुत सारी बातें डिस्कशन के लिए क्रिएट कर सकते हैं। इन वैंस का क्या होगा, अभी तो हमने अज्यूम किया है। और एक बहुत बड़ी चीज़, हमने इन्फ्लेशन तो यहाँ अज्यूम ही नहीं किए, what happens to the inflation side of it, right? So there are so many commentary analysis items that you can incorporate if they care. What are the other factors that should be considered? जैसे पिछले उसमें था, so you can write about that. अच्छा, अब with this, I think it wasn't a very difficult question. अगर इसको properly पढ़ के आप 23 marks का या 25 marks का जब question आए, it is worth spending after reading that question 5-7 minutes in planning your answer. It will save a lot of time in subsequently solving it, bajaye ifs and buts baad mein aaye. Spend 5-7 minutes in planning your answer. What is asked, how am I going to answer? Phir bhale choti moti galtiyan working ke andar ho jaye, agar 80% aapka direction theek hogi to aapko uske marks mil jayenge. Ji sir, ye jo last wala cash flow hai usko हाँ, अब देखिए ना, ये आप ऐसे पकड़ेंगे कि यार शुरू में तो मैं रिस्ट्रक्चरिंग के पैसे भरूंगा, मेरी सेविंग तो यहाँ से शुरू है। अब आप उसके बाद इतना तो सोचेंगे ना, इसके बाद क्या है ना, अब ये रिस्ट्रक्चरिंग हो गई, यहाँ से बेनिफिट आना शुरू हुआ ना। अब ये ज़रूर कर सकते हैं आप, कहें कि यार मैं 15 साल तक अज्यूम कर लेता हूँ, 10 साल तक कर सकूँ, और आप इन्फिनिटी भी अज्यूम कर सकते हैं, दैट्स फाइन, द अल्टीमेट आंसर वोंट मैटर। यहाँ तक आप रोक डिस्काउंटिंग पर्पज़ के लिए नहीं सकते ना, कि 3 साल बाद क्या होगा, कंपनी है ना। आप ये नहीं कह सकते बस 3 साल बाद क्या हो, ख़त्म हो गया, वॉट हैपन्स आफ्टर दैट, तो सोचना पड़ेगा ना आपको, चूँकि उसने खुद टाइम होराइजन नहीं दिया, तो इसने हमने परपेचुटी की। जनरली वो कह देता है कि आप 15 साल के होराइजन पे कर दें, या पिछले क्वेश्चन में था 5 साल के होराइजन पे कर दें। आपसे वो ये भी पूछ सकता है मैथमेटिकली, घर जाके कीजिएगा क्लास में, कि कितने टाइम पे जाके आप ब्रेक इवन कर लेंगे, तो इस सेविंग की पीवी कब जाके इस कॉस्ट की पीवी के बराबर हो जाएगी, है ना? जीरो कब होगी? तो यू अज्यूम द एनपीवी टू बी जीरो, है ना, एंड देन यू वर्क आउट कि वो पीवी अगर ये है तो उस पीवी के अगेंस्ट मेरा कितने सालों का कैश फ्लो होना चाहिए। और वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिंपल पे बैक कैलकुलेट भी करा सकता है, इस तरह की बात भी कभी पूछ सकता है, लेकिन ये घर जाके करेंगे और फिर मुझसे कल क्लास में मुझसे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आइए ZC Limited, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये भी आपके पास पेपर का है। ये सारी जो क्वेश्चन हम करेंगे अभी और कर रहे हैं, ये सारे पास पेपर्स के हैं जी। जी इसकी मैं आपको अटेम्प्ट बता दूंगा, ये 15 या 16 का ही है, ये आपके पास पेपर्स का क्वेश्चन है, या 15-16 है या उससे पुराना होगा, यही होगा, बट ये 2010 के बाद का क्वेश्चन है, ये कन्फर्म है। अब आइए ZC Limited, ये ZCL है विंटर 2014, इसका मेरे पास लिखा हुआ है, ये है विंटर 2014 का क्वेश्चन नंबर 3। आइए, ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा जी, ZC Limited मैन्युफैक्चर्स मेटल कंटेनर्स फॉर द पेंट्स इंडस्ट्री। Presently, ZCL has 8 machines which were purchased 3 years ago at a cost of. जो दोस्त ऑनलाइन है, इज दिस क्लियर? आई एम सॉरी, आई हैव नॉट बीन एबल टू गो थ्रू योर क्वेश्चंस।
Should we not take basic salaries in case of surplus pool? ये बेटा सना हमने डिस्कस किया कि आप ले सकते हैं with the assumption that this staff will only get basic. हमने conservative cash flow बना लिए कि अच्छा इसकी भी आपको gross की cost आएगी. हमने ये conservative बना लिया approach. अच्छा 80% हमने कैसे लिया बेटा, 80% ऐसे लिया, ये भी हमने explain किया था. अभी यहाँ से working ख़त्म हो गई कि जो स्टाफ था 20% टाइम जीरो पे अगर कर लेगा जीएचपी तो आगे जाके 80% ईयर वन में होगा, फिर ईयर टू में उस 80 का 60% होगा. दैट्स हाउ वी डिड इट. अच्छा दैट्स इट, दो ही मेन क्वेश्चन थे, बाकी बेटा क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे. अच्छा जी अब आइए ZCL. ZCL manufactures metal containers for the paints industry. Presently, ZCL has 8 machines which were purchased 3 years ago at a cost of 1.8 million each, having useful life of 8 hours with zero salvage value. The production capacity of these machines is 3 lakh containers per annum, which is sufficient to meet existing demand. ZCL anticipates the demand would increase to 540 containers next year. Abhi, agle saal. And would remain stable in the foreseeable future. The new demand can be met by replacing all the existing machines with 3 high-tech machines that are available in the market at a cost of 10 million each. The new machine will have an estimated useful life of 5 years with salvage value of 2 million per annum, per 2 million each. Agar hum existing machine chalaye to hum 3 lakh tak ki demand puri karenge. हमारे हम डिमांड लगती है आगे जाके 240 एडिशनल हो जाएगी, 540 हो जाएगी, एडिशनल कितनी हो जाएगी 240. एडिशनल 240 की डिमांड को मीट करने के लिए, उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न करने के लिए आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, राइट. तो उससे क्या होगा, उससे आप एग्जिस्टिंग मशीन डिस्पोज करेंगे, नई मशीन लेंगे. तो अब द क्वेश्चन वुड बी शुड वी गो फॉर द न्यू मशीन और नॉट, जैसे उसने क्या है पार्ट ए रिक्वायरमेंट भी अगर हम पढ़ लें तो बाकी पढ़ना आसान रहेगा. क्वेश्चन, कैलकुलेट एनपीवी इफ द एग्जिस्टिंग मशीन्स आर रिप्लेस्ड विद द न्यू हाईटेक. अब क्वेश्चन इज शुड वी बाय हाईटेक एंड डिस्पोज ऑफ न्यू मशीन ओल्ड मशीन्स और नॉट, राइट. सो इफ वी बाय द हाईटेक उसकी एक कॉस्ट आएगी, लेकिन उसका एक फायदा क्या होगा कि हम 240,000 की एडिशनल डिमांड मीट कर लेंगे, यानी उतनी सेल्स करेंगे. सेल्स करेंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा एडिशनल. अब उसकी सारी कहानी है नीचे. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल. सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कंटेनर इज ₹50, विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% पर एनम फ्रॉम ईयर टू ऑनवर्ड्स. ये इंपॉर्टेंट है, उसने टाइम जीरो की प्राइस नहीं दी बल्कि ईयर वन. ऐसे हमने एक आध क्वेश्चन पहले भी किए हैं जिसमें उसने हमें ईयर वन की प्राइस लेवल दे दी, तो इन्फ्लेशन विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर टू ऑनवर्ड्स. Existing raw material cost is 45% of sale, which is anticipated to reduce to 42% of sales by using new machine. अब इसका जो impact है, इसका जो 3% saving हो रही होगी, इसका फायदा तो existing 3 लाख quantity पे भी होगा ना. 240 तो पूरी additional sales है, उनका तो पूरा margin आ रहा है. जो 3 लाख existing हो रही है उन पे भी 3% सेविंग हो जाएगी ना. पहले उनकी रॉ मटेरियल पे हम 45% कॉस्ट लगाते थे, अब बिकॉज वेस्टेज कम होगी, मशीनें अच्छी हैं, तो अब मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 42, तो 3% वो सेविंग भी इन मशीन्स की वजह से होगी, वो इनकॉर्पोरेट होगा. ऐसा ही जी. द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन वुड रिड्यूस द मंथली लेबर बाय ₹146,000. मंथली लेबर सालाना निकालेंगे तो क्या करेंगे 12, ये भी ख्याल रखें. बट वुड इंक्रीज द ओवर हेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बाई 2 million. एक तरफ लेबर कॉस्ट की सेविंग आएगी और ओवर हेड्स की इंक्रीज आएगी, इंक्रीमेंटल 2 million पर एनम. ऑल एक्सपेंसिज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 8% फ्रॉम ईयर टू ऑनवर्ड्स. जैसे सेल्स सेलिंग प्राइस भी ईयर टू से इन्फ्लेट होगी, यानी इसका मतलब ऊपर जितनी फिगर्स हैं वो ईयर वन बेसिस हैं, ईयर टू से वो 8% से इन्फ्लेट होंगी. द एग्जिस्टिंग मशीन्स कैन बी सोल्ड एट रुपीज 1.2 million each, excluding disposal cost of ₹60,000 per machine. The increased production capacity will require additional working capital of ₹3 million, right? Additional working capital 3 million times zero पे हो जाएगा आपको. ऐसे
ZCL incremental working capital जैसे आता है. ZCL follows the policy of charging depreciation using straight line. अब हमें tax depreciation नहीं बताया गया तो हम क्या assume करेंगे? Tax के लिए भी straight line depreciation assume कर दें आप. It evaluates cost of investment by applying discount rate of 20%, which is your discount rate. Applicable tax rate is 35. Calculate NPV if the existing machines are replaced with new high tech machines. हाँ, existing machines अगर तो कुछ नहीं होता. आप डेप्रिसिएशन या एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है, सारा काम करेंगे. अब मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इस क्वेश्चन में दो इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक डेप्रिसिएशन है और एक आप ये रॉ मटेरियल वाली कॉस्ट को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं. ये मैं ट्यूटोरियल हिंट दे रहा हूँ आपको. अच्छा, अब डेप्रिसिएशन आज तक जितनी आई है हमारे पास, जितने रहता है कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये मशीन होगी उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी डिस्पोजल. अब यहाँ ये है कि एक नई मशीन नहीं आ रही, सिर्फ पुरानी ख़त्म भी हो रही है. तो आप ये कहेंगे पहले कैलकुलेट, क्योंकि हम क्या बनाते हैं, बेसिकली डिफरेंशियल कैश फ्लोज ही बना रहे होते हैं ना, रेलिवेंट कैश फ्लो, डिसीशन रेलिवेंट, पुरानी बेच के नई मशीन लगाएं या ना लगाएं, ये है ना क्वेश्चन. तो अगर तो मैं पुरानी मशीन चलाता हूँ तो पुरानी मशीन्स की एक डेप्रिसिएशन मुझे मिल रही होगी, वो पाँच साल के एंड पे उनकी सेल्वेज वैल्यू जीरो, उनकी एक टैक्स WDV भी आ रही होगी, वो टैक्स गेनो लॉस. अब जब मैं आऊँगा नए पे और उनको डिस्पोज करूँगा, इफ आई डू नॉट टेक दिस डिसीजन, तो एक डेप्रिसिएशन होगी अगले पाँच साल एग्जिस्टिंग मशीन्स पे, चल रही होगी ना. उनकी आठ साल लाइफ थी, तीन साल कर चुके हैं, अगले पाँच साल चलाएंगे तो उनकी एक टैक्स डेप्रिसिएशन मिलेगी ना मुझे. अगर मैं आज ये डिसीजन नहीं लेता इन्हें रिप्लेस करने का, तो उनकी एक अगले पाँच साल डेप्रिसिएशन और एक डिस्पोजल प्रोसीड्स है, और एक टैक्स WDV डिस्पोजल प्रोसीड्स तो जीरो है, यहाँ बताया गया ऊपर के फर्स्ट पैराग्राफ में. अब मैं दूसरी वर्किंग बनाऊँगा, अगर मैं ये डिसीशन करता हूँ ऑफ रिप्लेसमेंट, तो क्या होगा? तो अब मुझे नई मशीन की डेप्रिसिएशन मिलेगी और नई मशीन का एक टैक्स गेनो लॉस होगा, ऐसा ही है. और फिर पुरानी मशीन का आज एक गेनो लॉस आ जाएगा ईयर ज़ीरो पे, क्योंकि आज बेच दूंगा ना उन्हें मैं. तो नो रिप्लेसमेंट की एक डेप्रिसिएशन और एक गेनो लॉस, विथ रिप्लेसमेंट आज एक टैक्स गेनो लॉस ऑन ओल्ड, न्यू मशीन डेप्रिसिएशन, न्यू मशीन गेनो लॉस, इन सब का जो डिफरेंशियल होगा वो इसमें इनकॉर्पोरेट होगा, ऐसे ही है ना भाई. तो अजीब बात कह रहा हूँ, अलग अलग डेप्रिसिएशन की वर्किंग होगी, फिर नेट डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन आएगी. अलग से वर्किंग करेंगे और फिर इनकॉर्पोरेट करेंगे, अलग से वर्किंग करेंगे, एक वर्किंग आएगी. इनकॉर्पोरेट तो टैक्स डेप्रिसिएशन होगी, यानी यूं कहिए आज अगर ये ओल्ड मशीन्स हैं तो उनकी एक डेप्रिसिएशन हो रही थी 1 million, 1 million, न्यू डेप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन आ जाती है 2.5, 2.5, तो मेरी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 1.5, वो इनकॉर्पोरेट करूँगा, ये कह रहा हूँ, और उसकी रेलिवेंट टैक्स सेविंग होगी, है ना. तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ गया इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, लिखे सुबी साहब, निकल जाएगा रैम से जब बाहर आएंगे व्हाट्सएप खोलेंगे जी. तो इस क्वेश्चन में उसने जनरली हमारे क्वेश्चन में वो एक इन्वेस्टमेंट का कैपिटल एसेट बताता है कि ये इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो ये कैपिटल एसेट होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा. पुराने कैपिटल एसेट की बात ही नहीं करता जनरली, उसकी डेप्रिसिएशन की, है ना. हाँ, सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए कर रहे हैं सूफी साहब, आपने बात बिल्कुल अहम की. इसीलिए जैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन इनकॉर्पोरेट होती है ऐसे इंक्रीमेंटल भी होगी, फिर एड बैक हो जाएगी, लेकिन इनकॉर्पोरेट क्या होगी? इंक्रीमेंटल, क्योंकि एक पुरानी डेप्रिसिएशन भी चल रही है, अगर आज रिप्लेस नहीं करता तो वो डेप्रिसिएशन चलती रहेगी. नए वाले की और गेन लॉस, दैट्स राइट, ये टोटल इंपैक्ट जी. आप कुछ पूछ रहे थे सर, हम जो एयर जीरो पे सेकंड में, हम जो एयर जीरो
बोथ ऑफ कैपिटल में गेन एंड लॉस होता है तो उसमें जस्ट कन्वर्ट नहीं आ जाएगा क्योंकि अगर 8 साल के बाद जो डिस्पोज ऑफ करंट है तो जीरो सैलरी होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ ये बात ठीक है आपकी, अगर मैं नहीं करता आज ये डिसीजन तो एक डेप्रिसिएशन चलेगी और आखिर में ही लॉस आएगा। मैं ये डिसीजन करता हूँ तो आज गेन लॉस आएगा, फिर वो डेप्रिसिएशन बंद हो जाएगी और दूसरी डेप्रिसिएशन आ जाएगी जी। और इन दोनों का नेट इम्पैक्ट क्या है यानी डिफरेंशियल, आज गेन और लॉस, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ऐसे ही है ना। आप इसके लिए मैं आपको एक ट्यूटोरियल हैंड दे रहा हूँ, ये आप करेंगे, मैं तो आपको एक मिनट में कर दूंगा, मेरे पास सॉल्यूशन दिया भी डिस्ट्रीब्यूट भी कर दूंगा, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू डू इट योरसेल्फ, दैट्स हाउ यू विल लर्न। मैं आपको हिंट ये दे रहा हूँ, आप इसमें ना कोई शॉर्टकट मारने की होशियारी की कोशिश ना करें। जब कोई इस तरह की चीज़ आए ना, जैसे भी हमने किया, अब मैं आपसे कहता कि देखें ये सेव हो गया, ये यूँ हो गया, इसका डिफरेंशियल हो गया, आप आधे घूम जाते, मैं तो एक मिनट में करके चला जाता, यही क्वेश्चन हम 20 मिनट में ख़त्म भी कर देते, और लेकिन आप फिर बाद में सोचते रहते ये हुआ क्या हमारे साथ। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने दो सिनेरियो को कंपेयर कर लिया आसानी से, उससे डिफरेंशियल कैश फ्लो निकालना आसान हो गया। बाज़ औक़ात ये आसान होते हैं, बाज़ औक़ात अगर आपको मुश्किल हो तो आप, क्योंकि हमने क्या कहा, जो आइटम डिसीजन के दोनों पलड़ों में कॉमन हो वो इररेलेवेंट है, जो डिफरेंशियल हो वो रेलेवेंट है ना, डिफरेंशियल इज रेलेवेंट, एक साइड पे हो दूसरी साइड पे ना हो यानी। तो आप क्या करें, आप डेप्रिसिएशन बनाएं, इफ़ वी डोंट टेक दिस डिसीजन वी डू नॉट रिप्लेस, दूसरी डेप्रिसिएशन और गेन और लॉस बनाएं, इफ वी टेक दिस डिसीजन, उन दोनों का डिफरेंशियल ले लें। डिसीजन के दो पलड़े हो गए ना, जितनी अमाउंट कॉमन हो गई वो इररेलेवेंट हो गई, जो चीज़ कॉमन नहीं है वो क्या हो गई, वो रेलेवेंट हो गई। विल दैट बी ओके, इज दैट राइट? इसको मैं यूं देख सकता हूँ ना, जितनी टू दी एक्सटेंट कॉमन हो गया वो इररेलेवेंट हो गया, डिफरेंशियल क्या है, ऐसे ही है, जो डिसीजन की दोनों साइड पे जो अमाउंट कॉमन है अप टू 179 कॉमन हो गई, बाकी बैलेंस बच गई, इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, राइट? तो जहाँ आप ये फंस गए वहाँ आप क्या करें, तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप लर्न कर रहे हैं, क्वेश्चन करा ही इसलिए रहे हम कि इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि एक बार ही क्लियर हो जाएगा, बाद में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप हैंडल कर लेंगे। There's a concept of incremental depreciation here. And then you have to be very careful in incorporating the raw material impact. पहले साल वो 45 से 42 है, फिर उसने नीचे एक जुमला लिख दिया, जो चीज़ नीचे आती है वो ऊपर को सुपरसीड कर देती है। उसने नीचे एक जुमला लिखा है, ऑल एक्सपेंसेस, यानी इसका मतलब है रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस भी, दे आर गोइंग टू इन्फ्लेट एट द रेट ऑफ 8%। अब अगर सेलिंग प्राइस 10% से इन्फ्लेट होगी और रॉ मटेरियल 8% से, तो ईयर टू के बाद वो रेशियो 42 नहीं रहेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये करेंगे तो समझेंगे, मैं समझा दूंगा तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ मैं आपको ट्यूटोरियल हिंट दे रहा हूँ, डिस्कस करेंगे इसको अगली क्लास में, बल्कि मैं चले अभी कर देता हूँ ये पॉइंट डिस्कस। दैट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू गाइस डू इट। अच्छा, अब हम करेंगे ये, या तो मैं आपको अभी सॉल्यूशन दे देता हूँ, जो कर ले वो इसको कर ले, ना समझ में आए फिर भी हम ये अगली क्लास में तो वैसे ही डिस्कस करेंगे, तो ये आपके पास सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें बेटा, और हम ये करेंगे कि हम नेक्स्ट क्लास में इसे करेंगे डिस्कस। तो इस पर करते हैं हम ये आज की क्लास ऑफ, ठीक है, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। अच्छा, अब करेंगे हम ये कि आपको हम कुछ एडवांस लेक्चर जो रिकॉर्डेड है ना, उसकी एक्सेस आप सबकी बनी हुई है, वो LMS IDs आप इमीडिएटली बनवा लें, क्योंकि हो सकता है अगर मुझे संडे को ट्रैवल करना पड़ जाए तो संडे को हम क्लास नहीं लेंगे, लेकिन हमने आपके लिए 4-5 लेक्चर्स रखे हुए हैं जो हम आपको दे देंगे। हाँ, फिर हम कर लेंगे मंडे या मंडे तो खैर नहीं, ट्यूसडे या वेनसडे क्लास कर लेंगे, इसी सीक्वेंस में, इसी NPV जिस सीक्वेंस पे हम चल रहे हैं ना, उसके नेक्स्ट 4 या 5 लेक्चर्स हमने उनको कह दिया है कि LMS पे डाल दें, ताकि अगर किसी की कोई क्लास मिस भी होती है यू कैन कंटिन्यू देयर, राइट? और हमारी संडे की क्लास हो गई तो फिर हम यहीं से चलेंगे, नहीं हुई तो कम से कम आप का टाइम ज़ाया ना हो, आप वो लेक्चर्स को कम से कम देखना शुरू करें, फिर वील मीट ऑन ट्यूसडे, या वहीं यहीं से शुरू करेंगे जब भी स्टार्ट करेंगे, इज़ दैट ओके? तो ये सॉल्यूशन अब आपके पास आ गया, हम इसके बाद इसी टॉपिक से आगे बढ़ेंगे, अभी तो इसमें और भी चीज़ें हैं जिसमें आपकी
पीरियोडिक कैश फ्लोज हैं, अभी IRR है और बहुत सारी अभी इसके अंदर चीज़ें हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड अदर्स. So with this we conclude today's class. We'll meet inshallah in the next class, either Sunday or next week. Thank you.